हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है रास्तान एकेडमी पे। जैसे आपको पता है, हम रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लास्ट ईयर के पेपर देखने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के। इससे पहले के भी आपको पेपर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहाँ से देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज। वीडियो फर्स्ट पेपर है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 60 मार्क्स का है। पिछली बार कोविड के कारण आपके 60-60 नंबर के पेपर हुए थे, बट इस बार जो पेपर होने वाला है वो पूरा 100 नंबर का होने वाला है। तो आपको पूरे 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। लास्ट ईयर 6 क्वेश्चन मिले, उससे पहले वाले में 5 क्वेश्चन मिले थे, उनमें से आपको 3 करने थे, बट इस बार आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से आपको 5 करने रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, संविधान से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 वर्गीकरण की अनुमति देता है परंतु वर्ग विधान को निषेध करता है, विस्तृत व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियों एवं संवैधानिक स्थिति की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, वो है सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, संविधान का संशोधन कैसे किया जाता है? भारतीय संविधान के संशोधन की विधि के विकास को प्रमुख वादों की सहायता से समझाइए। अब आपको इनका आंसर किस प्रकार करना है, किस प्रकार आप आंसर लिखें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। आंसर कुछ स्टेप्स में होता है, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि आपको आंसर कैसे लिख के आना है जिससे आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। तो आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको पता हो कि आप आंसर राइटिंग कैसे कर सके, जिससे आपको इस बार अच्छे नंबर बन सके आपके पेपर में। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। हमने लास्ट ईयर देखा है कि हर पेपर में ये टिप्पणी वाला क्वेश्चन आया है, तो जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं डेफिनेशन टाइप वाले, वो आपको सारे तैयार करने चाहिए, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन आपको ये ज़रूर मिलेगा। जब आपको कोई किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो, कुछ समझ ना आए, तो ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन दो पार्ट्स में बंटा हुआ आएगा, तो आप अच्छे से उसके अंदर आंसर कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको डबल ऑप्शन मिल जाते हैं। चार पूछे, उनमें से दो बताने रहते हैं, दो की आपको डेफिनेशन आती है, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। ये क्वेश्चन इजी भी रहता है और पन्ने भरने में भी ये क्वेश्चन हेल्प करता है। सबसे पहले ए के अंदर है भारतीय संविधान की प्रकृति, बी में है आच्छादन का सिद्धांत, सी के अंदर है प्राणदेहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और डी के अंदर है राष्ट्रीय आपातकाल। इस प्रकार हमने लास्ट ईयर का पूरा पेपर देखा। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत।